हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ एंड एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए कौन सा फायदे का है और उसके रीजन क्या है। तो अगर अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इतने अच्छे अच्छे वीडियोज आपके पास फटाफट पहुंच जाएंगे, जिससे आपका नॉलेज एनहांस होगा एंड आपका जो शेयर मार्केट में डिसीजन मेकिंग है वो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। प्लस अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। चलो सो डिफरेंस देखते हैं आईपीओ एंड एफपीओ। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए। सबसे पहला जो डिफरेंस है, जब भी कंपनी को फर्स्ट टाइम कैपिटल रेज करना है तो उसको बोलते हैं हम आईपीओ। करेंट, जो फर्स्ट टाइम जब कैपिटल कंपनी रेज करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि कंपनी अभी अनलिस्टेड है एंड नाउ दे वॉन्ट मोर मनी फॉर एक्सपांशन, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। एफपीओ इज कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है एंड दे वॉन्ट मोर मनी फ्रॉम पब्लिक डायरेक्टली। सी, स्टॉक एक्सचेंज पे जो बाय सेल होता है वो पैसा कंपनी को नहीं मिलता है, इट इज बिटवीन इन्वेस्टर, देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी। बट जब एफपीओ के थ्रू पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास आता है, तो कंपनी एफपीओ क्यों लेके आती है? फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बिकॉज जैसे आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो एक बियॉन्ड पर्टिकुलर लिमिट यू कैन नॉट कीप शेयर्स विथ यू, तो उसके लिए फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है? एफपीओ लेके आना पड़ता है। तो काफी बार एफपीओ लाने का जो पर्पज है इज टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट। सेकेंड चीज, जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रही है ना, कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टेड हो रही है। बट एफपीओ में रिस्क कम रहता है बिकॉज कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, आप उसका ट्रैक परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, 3 साल का 5 साल का जितने साल तक कंपनी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको आइडिया आएगा कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो रिगार्डिंग रिस्क यू कैन मेजर टू सर्टन एक्सटेंट इन एफपीओ, बट आईपीओ में आप कुछ भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम। करेक्ट ना? आईपीओ का जो पर्पज है टू ब्रिंग मोर कैपिटल, एफपीओ का भी वही पर्पज है, बट उसमें आईपीओ का प्योर पर्पज है टू ब्रिंग मोर कैपिटल, एफपीओ का प्योर पर्पज वो नहीं है। टू फुलफिल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया जाता है, हमको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ाने उसके लिए किया जाता है, सो कंपनी को एक्सपांशन करना है, सो अलग अलग पर्पज से किया जाता है। सो एफपीओ में पैसा रेज करना रीजन है जो कॉमन है, बट बाकी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से भी एफपीओ लाया जाता है, बट आईपीओ इज प्योरली टू रेज मनी। करेक्ट ना? तो यहाँ पे एंड लास्ट जो पॉइंट दिया कि इन्वेस्टर के लिए कौन सा बेटर है, इफ यू आस्क मी एफपीओ इज एनी टाइम बेटर, क्योंकि आप एनालिसिस करके पैसा भर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आईपीओ रिस्की है, आईपीओ में भी आपको पैसा मिलता है, बट वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा जोमेटो, स्विगी, ये काफी कंपनी लिस्टेड हो गए पर बाद में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जोमेटो जो लिस्ट हुआ था तभी वो 6,000 करोड़ लॉस पे था। तो ऐसे बहुत सारे रिस्की डिसीजन अपने को लेने पड़ते हैं कि अपने को पता नहीं चलता, बट मार्केट में हाइप था, लोगों ने लिया एंड फिर बाद में उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 6,000 करोड़ का लोन था। उसको मैंने एक वीडियो बनाया था जब जोमेटो उस समय लिस्ट हुआ था, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ऐसे आपको अपडेट रहना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बाय बाय।